प्रस्तुत करता हूं कि ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित बिना किसी संशोधन और अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्यों पर लागू होंगे। इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज निर्णय अध्यादेश उपनियम नियम विनिमय अधिसूचना नीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अन्यथा न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में नियुक्त होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संशोधित करने पर ये सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक